कॉफी और लेके आओगे? अरे और कॉफी दो। थैंक यू प्रेसिडेंट सर, चेयरमैन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग दिस अरेंजमेंट टू रिलीज दिस पब्लिकेशन बिफोर दिस। आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट। ओके रंजीत, दिस इज द टाइम टू रिलीज ऑफ द बुक ऑन विमेन्स राइट्स पावर्स एंड राइट्स। Now the much awaited presidential address. Now sir, I request you to please come and share your thoughts. सारा टाइम फिनिश हो गया, अभी बचा नहीं है कुछ। अभी आज 12:45 पे जेटली साहब के साथ हमारी मीटिंग है, और आपको पता है ओकेजन क्या है? ICSI ने 50,000 मेंबरशिप क्रॉस कर ली है। और जिस बच्चे को वो मेंबरशिप मिली है, वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट हम जेटली साहब के हाथों से दिलवाएंगे उसको। और जब मैं 49,000 को सर्टिफिकेट साइन कर रहा था, तो अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, अरे 50,000 भी तो आएगा। मैंने मेंबरशिप को फ़ोन किया कि जैसे ही 50,000 नंबर आए मेरे को बताना। जब हमने उस बच्चे को फ़ोन किया, वो एक मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे से गांव का बच्चा है, रेवा गांव का, उसको तो भरोसा ही नहीं हुआ। और वो कल से सेलिब्रिटी हो जाएगा। और 4 अक्टूबर 2017 से हम हमारा गोल्डन जुबली ईयर शुरू कर रहे हैं। अगले साल हम 50 साल के हो जाएंगे। इंटरनेशनल विमेंस डे, आज सवेरे मैंने मेरे गांव में मेरी माँ को फ़ोन किया कि भई आज ना एक महिलाओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो आप ना कुछ गिफ्ट खरीद लीजिए, मेरी तरफ से मैं आपको अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप गिफ्ट खरीदना। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको लगा त्यौहार है, और वो शुरू हो गए मेरे को आशीर्वाद देने कि बेटा तू और आगे तरक्की कर, और बड़ा आदमी बन, खूब सेवा कर लोगों की। देखिए, ये होती है माँ, ये होती है नारी, जो अपने बारे में नहीं सोचती, जो सोचती अपने बच्चों के बारे में, जो सोचती अपने परिवार के बारे में, जो सोचती अपने समाज के बारे में, और जो सोचती है सबके बारे में। तो ऐसी समस्त माताओं और बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए।
कुछ दिन पहले जब सेक्रेटेरिएट से मेरे पास आए कि सर वो एडवर्टीजमेंट फाइनल कर दीजिए, मैंने कहा किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट? बोला सर वो इंटरनेशनल विमेंस डे आ रहा है तो उसका एक एडवर्टाइज देना हम लोगों को। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो जनरली हम एक एडवर्टीजमेंट देते हैं। तो मैंने कहा ये तो वैसा ही हो गया कि CSR अमाउंट खर्च करने के लिए हमारे पास कोई स्कीम नहीं है तो PM रिलीफ फंड में डाल दो। मैंने कहा क्यों, लाखों रुपए खर्च करके क्यों एडवर्टीजमेंट? यदि हम एक्चुअल में विमनहुड की बात करते हैं, उनको सम्मान देना चाहते तो क्यों ना उनके साथ मिलके सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम कुछ इनोवेटिव लेकर के आए। तो हमने कहा चलिए हम सक्सेस स्टोरीज लेते हैं। तब तक मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे को लग रहा था शायद कुछ 5-7 हमारे फीमेल मेंबर्स की कुछ स्टोरीज आ जाएगी तो ज़रा मैं सबको बता दूंगा। बट फ्रेंड्स जब मैंने वो स्टोरीज देखी, मैं नहीं कहता कि मेरे को भरोसा नहीं हुआ, बट एज अ प्रेसिडेंट मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में 48.5% महिलाएं हैं, जो पूरी दुनिया की महिलाओं का 17% रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उस 17% में से समथिंग अराउंड 2.5 लाख विमेंस ICSI का हिस्सा है, और मुझे खुशी है इस इंस्टीट्यूट का मैं प्रेसिडेंट हूं। और आज ये जो विमेन पावर है मेरी USP है। जब मैं सरकार के पास जाता हूं, जब मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं, तो मैं कहता हूं सर मैं उस इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा हूं जहां पे हम विमेन एजुकेशन के फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इसी ग्राउंड पे हमारे को इतना अप्रिशिएट और रिकग्नाइज करती है, और ख़ासकर मोदी गवर्नमेंट। तो मैंने कहा कि कुछ इनोवेटिव करते हैं। इतनी स्टोरीज आई, ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पे हमारी फीमेल मेंबर्स नहीं है। मैंने देखा चाहे वो CEO, चाहे वो CFO हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, ऐसा कौन सा फील्ड है? मैं तो ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई तो फील्ड हो जहाँ जाके मैं कह दूँ कि यार यहाँ पे मेरे को ना कुछ काम करना है। हर जगह आप लोगों को। तो मैंने कहा अभी क्या करें? तो मैंने कहा इसमें से हम इतनी स्टोरीज है, इन सब को हम लोगों को बताएंगे कैसे। और हर महीने अब चार्टर्ड सेक्रेटरी में हम एक विमेंस कॉलम करके लेके आ रहे हैं जहाँ पे हर महीने ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको पता लगेगी। मैंने कहा कि कुछ हमारी जो विमेन है उनको क्यों ना हम पूरी दुनिया को बताएं। हमारी चार्टर्ड सेक्रेटरी को 60-70 हज़ार कॉपी प्रिंट होती है और लाखों लोग ईमेल के द्वारा उसको देखते हैं, और सोशल और ट्विटर और ये जो सोशल मीडिया के थ्रू हजारों करोड़ों लाखों लोगों तक हमारी रीच है। तो मैंने कहा क्यों ना पूरी दुनिया को बताएं कि हमारी जो CS वीमन है वो एम्पावर्ड है, और वो लोगों के लिए, वो समाज के लिए, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि टोटैलिटी में वो कितना काम कर रही है। तो कैसे बताएं उसके लिए? तो इमिडिएटली मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना हम ये कुछ हमारी जो वीमन लीडिंग जो वीमन जो आइकन है उनके जो फोटो है हमारे चार्टर्ड सेक्रेटरी के फ्रंट पेज पर लगा दें। सर ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोला सर आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा आज तक कभी कोई गांव वाला प्रेसिडेंट बना ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मनाही कहाँ है, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा आप लगाओ चार्टर्ड सेक्रेटरी पे। फिर उसके बाद जब सेलिब्रेशन की बात आई तो बोला सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा सेमिनार नहीं कर सकते, वो क्लास बिटवीन क्लास का इश्यू आ जाएगा, वो पुरुष कहेंगे कि महिलाओं के लिए क्यों प्रोग्राम। तो मैंने कहा नवंबर में मेंस डे आता है, उसको मनाने के लिए थोड़ी ना रोका है मैंने, वो भी मना लेंगे। और जिस स्पीड से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ये मेंस डे और विमेंस डे की बात छोड़ो, एक दिन आएगा जब हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करेंगे कि जेंडर न्यूट्रलिटी डे हमारे यहाँ होना चाहिए। गुप्त साहब ने कहा था अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अभी ये पुरानी हो गई ये बात, अभी सच्चाई इससे बहुत आगे चले गए हम लोग। अभी हमारी महिलाएं, हमारी जो फीमेल एम्पावरमेंट है, जो फीमेल जो पावर है, वो वापस हम हमारे वैदिक काल में जा रहे हैं, गोल्डन पीरियड। जनरली हमारे दिमाग में एक धारणा है कि हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे को लगता है कि आज की परिदृश्य में, आज के समय में ही हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, आज ही महिलाएं आगे जा रही है। ऐसा नहीं था। शुक्ला जी ने कहा था ना कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था उसमें भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं सबसे अच्छी थी। दैट वॉज द गोल्डन पीरियड।
when I talk about the Indian women. That was the golden period when I talk about the global women. जब हमारे वेदाज में जो जो क्लासिक एज थी, जो क्रिश्चियन एज थी, जो इस्लाम उस टाइम पे भी, वहाँ पे भी, उस समाज में इतना महिलाओं का सम्मान नहीं था जितना हमारे वैदिक काल में था. आप कभी सोच सकते हैं आज के ज़माने में कोई पुरुष ये कहे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान विराजते हैं. आज के ज़माने में मैंने कभी नहीं सुना किसी पुरुष के द्वारा ये ऐसा इतनी बड़ी बात कहना. वैदिक काल में मनु ने कहा था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. हमारे पौराणिक काल के अंदर ये कहा गया था जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गदीप गरियासी, स्वर्ग से भी बढ़कर है. हमारे महाभारत काल के अंदर ये कहा गया था कि पुरुष और उस महिला, पुत्र और डॉटर दोनों समान है. ये उस जमाने में कहा गया था. हरप्रीत ने एक पौराणिक काल की एक बात कही, अहिला द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या नित्य स्मरणम महापाप नाशनम. कितनी बड़ी बात है आज की डेट के अंदर. आप कोई पुरुष ये बात कह सकता है कि सिर्फ इन महिलाओं का नाम लेने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं? उस जमाने में कि जो ये महिलाएं हैं, यदि जो महिलाएं समाज और देश के लिए अच्छा कर रही है, यदि आप सवेरे सवेरे उनका नाम लो तो आप दुनिया का बड़ा सा बड़ा पाप से मुक्त हो जाते हो. ये वो समाज था. बीच में यस, इन्होंने मिडाइवल पीरियड की बात करी. मिडाइवल पीरियड में मुगल आए हमारे देश में. मुगल आने से उनके साथ कुछ उनका कल्चर आया. उस कल्चर के कारण हमारे यहाँ कुछ कुप्रथाएँ आई, बाल विवाह, सती विवाह, दहेज प्रथा. ये सारी कुप्रथाएँ हमारे यहाँ आई जो पहले नहीं थी. आप सरप्राइज करोगे, उस जमाने में रीमैरिज के प्रोविजन थे, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स थे. उस जमाने में दहेज प्रथा नहीं थी, बट ये चूंकि उस जमाने में आप देखिए जो गार्गी मैत्री जैसी विमन स्कॉलर्स थी, 19-20 से ज़्यादा विमन स्कॉलर्स थे उस जमाने में. उस जमाने में महिलाएं युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी. कैकेय्या, सुभद्रा, बहुत सारे नाम हैं. ये तो बीच में मिडाइवल पीरियड के अंदर ये मुगलों और अंग्रेजों के आने के कारण हमारा थोड़ा सा कल्चर डिटेरियट हुआ. बट उस पीरियड में भी हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने मान सम्मान और प्रोग्रेस बनाए रखी. चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो शिवाजी की माँ जीजाबाई हो, चाहे वो गोंडा क्वीन हो, चाहे वो रजिया सुल्तान हो, चाहे बेगम ओ भोपाल हो, बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने इस पीरियड में भी नारी के मान सम्मान को कम होने नहीं दिया. उसके बाद तो हमारे पास और बात सिर्फ नारी की नहीं है कि नारी पुरुषों ने भी आप देखिए हमेशा उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया. चाहे वो महात्मा गांधी हो या ज्योतिबा राव फुले हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो या राजा राम मोहन राय हो, इन सब ने भी इस महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत सपोर्ट किया और कोऑपरेट किया. और उसी का रिजल्ट है कि हमारे को इंदिरा गांधी और इंदिरा नुई या कल्पना चावला जैसी महिलाएं भारत ने दुनिया को दी है. आज हमारे पास ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि भारत की महिलाएँ सशक्त हैं, उनको सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है. ये सच्चाई है. आज हमारी विमन एम्पावर्ड हैं, वो दूसरों को एम्पावर कर सकती है. इसीलिए हमने कहा विमन एम्पावर्ड एंड एम्पावरिंग. आप सारे एम्पावर्ड हो, हमारे को दुनिया को एम्पावर करना है. आज हमारे पास ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो महिलाओं को केंद्र में रख करके, उनके लिए महिलाओं का विकास ही सबका साथ सबका विकास है, वो महिलाओं को केंद्र में रख करके बात करते हैं, वो महिलाओं को मौका देते हैं. उनकी कैबिनेट देखो, प्रोबेबली हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा किसी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में 7 से ज़्यादा महिला कैबिनेट मिनिस्टर है. पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ जब अमेरिके के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आया तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पूजा ठाकुर की नाम की एक महिला ने उसको लीड किया. आज पहली बार हमारे हिंदुस्तान में है कि चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे हमारी मेट्रो हो, हर जगह हमारी महिलाएं लीड कर रही है. चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, चाहे कन्या अभियान हो, हर जगह हमारी महिलाएं लीड कर रही है. और कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में जब मैंने सक्सेस स्टोरीज देखी उसके बाद तो मेरे को लग रहा है कि मेरे मेल स्टूडेंट्स के लिए शायद मेरे को कुछ पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी. और मैं कई बार लाइटर साइड में भी कहता हूँ कि रिजर्वेशन, शुक्ला जी ने रिजर्वेशन की बात करी, मेरे मैनिफेस्टो में था. जब मैंने सेंट्रल काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मेरे मैनिफेस्टो के अंदर मैंने लिखा था 33% रिजर्वेशन टू वीमन इन आवर मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन, रीजनल काउंसिल इलेक्शन एंड सेंट्रल काउंसिल इलेक्शन. लेकिन अभी मेरे को लगता है कि रिजर्वेशन बिल तो मेरे इन बच्चों के लिए लेके आना पड़ेगा.
है, इसी स्पीड से यदि आप लोग बढ़ते रहे तो एक टाइम आएगा जब मेरे को कहना पड़ेगा कि इतनी सीटें तो ये पुरुषों के लिए रिजर्व होनी चाहिए ICSI में। ये अच्छी बात है, वीमन एम्पावरमेंट अच्छी बात है। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें मेरे को करनी थी, लेकिन मैंने कहा ना कि 12:45 में मेरे को नॉर्थ ब्लॉक जाना है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। बट यस, आई बी इन टच। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कुछ डिसीजंस मैंने लिए हैं जो आज मैं वीमेंस डे पे अनाउंस करना चाहता हूँ ऑफिशियली। कुछ तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स है। जो सबसे पहला और बड़ा अनाउंसमेंट, जो हमारी काउंसिल ने डिसीजन लिया है, इट्स अ काउंसिल डिसीजन एंड फर्स्ट टाइम आई मेकिंग इट अ पब्लिक। हमारे CP आवर्स का कंसेप्ट है, बट हमने एक देखा है कि जब एक महिला अपनी फैमिली को बढ़ा रही होती है तो उस प्रोसेस में उसके लिए बहुत टफ होता है CP आवर्स आकर के CP आवर्स को अटेंड करना। तो हमारी काउंसिल ने डिसाइड किया कि एक साल का वो जो पीरियड होता है उस पीरियड के अंदर हम CP आवर्स उसको एग्जेम्पशन देते हैं। नाउ इट्स ऑप्शनल फॉर दैट वीमन टू अटेंड द CP आवर्स और नॉट। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको अटेंड करें, आप चाहें तो नहीं अटेंड करें। ये एक नारी के प्रति छोटा सा सम्मान है ICSI की तरफ से। एक हम एक्सक्लूसिवली एक विमन पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे आप लोग अपने इंटरेक्ट कर सकते हैं और जहाँ ये बाय द फीमेल फॉर द फीमेल एंड ऑफ द फीमेल। ये ICSI की तरफ से एक विमन पोर्टल होगा जहाँ अपने इश्यूज आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और जहाँ पे हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमने देख रहे हैं कॉरपोरेट के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोज को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारी विमेन मेंबर्स की कई बार सैलरी पे नहीं होती या उनके साथ उनको देर फोर्स टू रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए नाउ आई एम प्लानिंग टू पुट अप दिस एजेंडा बिफोर माई काउंसिल कि यस, देर शुड बी अ वीमन रिड्रेसल ग्रीवेंस कमिटी या ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी पर्टिकुलरली फॉर द वीमन। जब भी ऐसे कुछ डिस्प्यूट आएंगे आप उस कमिटी के पास आओ, वो कमिटी आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ चलेगी और इवन दो जरूरत पड़ेगी तो हम आपके मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। बहुत बढ़िया। विमेन डायरेक्टरशिप, हमें गवर्नमेंट में जब भी मिलता हूँ, इवन तो मैंने न्यूज़पेपर में मीडिया में भी कहा, हर जगह कहता हूँ कि PSUs के में और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे विमेन डायरेक्टरशिप नहीं है, वो अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। और जो मैं ग्लोबली और इंडियन सिनेरियो की बात करूँ तो देखिए, नॉर्वे जैसा छोटा सा कंट्री है वहाँ पे 40% विमेन डायरेक्टरशिप है, उनके लॉ में लिखा हुआ है। हमारे भी लॉ में, लेकिन इंडिया में 7.8% विमेन डायरेक्टरशिप को अब तक हम अचीव कर पाए हैं। इवन तो रशिया में 45% विमेन है जो मैनेजमेंट पोजीशन पे है, इंडिया में अभी 16% के आसपास है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग गवर्नमेंट के सामने रेज कर रहे हैं कि विमेन डायरेक्टर्स के अंदर आप क्यों ना हमारी जो प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट विमेन है आप उनको अपॉर्चुनिटी दें। फॉर्चुनेटली आई एम हैप्पी टू शेयर कि मेरी रिसेंटली उनसे बात हुई थी कॉमर्स मिनिस्ट्री में और एक दो मिनिस्ट्री में और, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी विमेन के प्रोफाइल भेजिए, डेफिनेटली हम उनको कंसिडर करेंगे जब विमेन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात आएगी। और आप लोगों को फर्दर आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको इन्हेंस करने के लिए हम लोग बहुत जल्दी कुछ कैप्सूल कोर्सेज लेके आ रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन विमेन डायरेक्टरशिप, ताकि आप लोगों को वो मैनेजमेंट जो स्किल हमारी जो विमेंस को हम लोग देने के लिए, वी आर कमिंग विद दिस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स। आई थिंक ब्रॉडली दीज आर द फ्यू अनाउंसमेंट्स। बाकी कभी भी आपको कोई भी इश्यू हो, आपका प्रेसिडेंट हमेशा अवेलेबल है। मेरे को किसी ओपन हाउस की जरूरत नहीं है कि मेरे से बात करने के लिए यू हैव टू वेट फॉर अ ओपन हाउस सेशन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन। मेरा हाउस और मेरा प्रेसिडेंट ऑफिस का हाउस जो डोर है वो हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप सोशल मीडिया से, अभी तो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप ईमेल के थ्रू, आप कभी भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि आप पहले मेरे को बताइए, मेरी कमियां मेरे को बताएं, दुनिया को नहीं, सुधरना मेरे को है उनको नहीं। सोशल मीडिया में इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ दायां बायां लिखने के बजाय आप सबसे पहले मेरे को बताएं। यदि फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती है देन दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आप लिख सकते हैं, बट उससे पहले आप मेरे को जरूर बताएं। और बाकी कुछ भी आपके सजेशंस हो, डेफिनेटली एज अ इंस्टीट्यूट विल कंसिडर देम, विल आई टेक एज अ प्रायोरिटी। और एक अनाउंसमेंट मेरे को और करना है। अभी रिसेंटली हमने गुड़गांव में एक लैंड के लिए अप्लाई किया था एंड विद द एफर्ट्स ऑफ आवर चेयरमैन धनंजय शुक्ला जी, गवर्नमेंट ने हमारे को लैंड अलॉट कर दिया है और मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग उसको इनॉग्रेट कर देंगे वहाँ पे। और
देर वी आर प्लानिंग फॉर अ न्यू कैंपस फॉर द गुड़गावा चैप्टर एज वेल एज वी आर प्लानिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आवर स्टूडेंट्स जहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह करेंगे. एक हम लोग वी आर कमिंग 190 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे काउंसिल में एजेंडा जा रहा है इसका. यू नो जैसे IAS वगैरह होते हैं उनका ना एक एक साल या दो साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. जब भी वो सिस्टम में आते हैं चाहे दे मे बिलोंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड और फ्रॉम अ गुड फैमिली और फ्रॉम अ फाइनेंशियली पुअर फैमिली और वॉट एवर देर मे बी देर बैकग्राउंड, लेकिन जब सिस्टम में आते तो मोर और लेस 70 और 80% दे आर ऑन अ कॉमन फूटिंग. हमारा बच्चा भी ऐसा है, कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, किसी ने बड़ी जगह ट्रेनिंग करी है, किसी ने कहीं ज़्यादा छोटी फॉर्म में ट्रेनिंग करी है, तो क्यों ना हमारे पास भी एक बच्चे को 90 डेज का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ताकि बच्चा जब सिस्टम में आए तो एटलीस्ट वो कुछ चीज़ों पे तो कॉमन फुटिंग पे आए. अगेन देयर कम्स अ क्वेश्चन कि सर पर स्टूडेंट वो कॉस्ट तो बहुत आ रही है, इट कम्स अराउंड मोर देन 1 लाख. बच्चा तो 25-30,000 रुपीज़ दे सकता है, बाकी फीस कहाँ से आएगी? तो मैंने कहा एज ए ICSI हम सब्सिडाइज क्यों नहीं कर सकते. आज मेरे पास जो सरप्लस है, मेरे पास जो पैसा है रिजर्व्स के अंदर, उसके पास मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं बिल्डिंग बना लूँ या तो मैं उनकी बिल्डिंग बना लूँ या जो मेरा मेंबर और स्टूडेंट है उनकी कॉम्पिटेंसी को बिल्ड कर लूँ. मैंने अच्छा घर बना लिया बट उस घर में रहने वाले लोग स्वस्थ नहीं है तो उस घर की वैल्यू नहीं है. ऐसे मैंने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना ली बट उस बिल्डिंग की कोई वैल्यू नहीं है जब तक मेरा मेंबर और मेरा स्टूडेंट कॉम्पिटेंट नहीं है. तो इस साल के अंदर मेरा जो फंड है उसका यूज मैं करूँगा मेरा मेंबर और मेरे स्टूडेंट्स की जो कॉम्पिटेंसी है उसको बिल्ड करने में, ना कि बिल्डिंगों को बिल्ड करने में. इस साल हम फोकस कर रहे हैं एम्प्लॉय कंपनी सेक्रेटरी पे. PCS की हम हमेशा से बात करते हैं, हमेशा से बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, बट दिस ईयर वी आर फोकसिंग ऑल्सो ऑन आवर एम्प्लॉय कंपनी सेक्रेटरीज. GST ऑडिट हमारे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट इज अ बिग इश्यू. मिलेगी तो PCS काम करेगा, लेकिन मेरा एम्प्लॉय कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेज ऑफ द GST. तो वो भी मेरा ब्रांड एम्बेसडर है और मेरा 70% मेंबर एम्प्लॉय है. तो उसके लिए वी आर कमिंग विद अ प्लानिंग. We are also talking about the e-voting. When we say कि we are supporting the digital India, we are supporting the cashless economy, then why not e-voting in our own system? क्यों ना हम e-voting के अंदर pioneer बन सकते हैं. So we are working on this e-voting concept. So there are so many, but again these whatever I am discussing all are subject to decision of my council. These are broadly my thoughts and definitely I am taking before my council. So बहुत अच्छे innovative ideas हमारे mind में हैं that we are working and that we are coming with this. So friends, with these all words, once again, thank you so much, Hiraut Madam. Hiraut Madam को तो मैं, चूँकि मैं भी जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, इनका और हम तो वैसे तो आजू बाजू वाले गांव से हैं, आप सरदार सर से हैं, मैं सीकर से हूँ, तो मैंने मैडम को देखा है जब मैं स्टूडेंट था तब से देखा है. और आज राजस्थान में जब बैंकिंग इंडस्ट्री की बात की जाती है तो मैडम का नाम सबसे ऊपर है. और आपकी वजह से आज हमारी बहुत सारी जो नई जो गर्ल्स प्रोफेशन में आ रही है उनको बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना काम मिलता है, क्योंकि सब कहते हैं अच्छा नहीं नहीं आपके यहाँ जो मैडम सरोज हिरावत है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रही है तो आप लोग भी बहुत अच्छा काम करोगे. तो जो आपके ब्रांड का फ़ायदा हमारे बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है. मोनिका 3,000 करोड़ का जो एम्पायर उसको लीड करना, हम CEO CFO बनाने की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जो हम ना हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो बातें करते हैं, इन्होंने प्रैक्टिकली उन सारी चीज़ों को प्रूव करके दिखा दिया. एंड दिस तस्नीम ये सोशली, हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं. ये देखिए हैदराबाद से एक जस्ट ऑन अ फ़ोन, एक छोटी सी मैंने रिक्वेस्ट करी, जस्ट ऑन माई रिक्वेस्ट वो आप और हम सबके बीच में. तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, आप इनको आगे बढ़ाएं और कभी भी ना अपने आप को छोटा या इन्फीरियर मत समझिए. मैं हमेशा ना एक बहुत किस्सा है, एक स्टोरी है जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुना होगा. एक तोते की कहानी सुनाता हूँ, कौवे की कहानी. एक जंगल में कौवा रहता था, उसको क्या लगता था वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पक्षी है. वो बहुत खुश था अपनी लाइफ से, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ इज लाइफ. बट एक दिन उसने तोते को देख लिया तो उसको क्या लगा, सॉरी एक दिन उसने हंस को देख लिया. जैसे ही उसने हंस को देखा वो टेंशन में आ गया, बोला यार मैं कितना काला हूँ, ये हंस तो कितना गोरा है, काश मैं भी हंस होता तो कितना अच्छा होता. वो बहुत बिल्कुल टेंशन में आ गया. वो हंस के पास गया और बोला मेरे दोस्त काश मैं भी तुम्हारी तरह होता तो कितना अच्छा होता, देखो तुम कितने सुंदर हो, कितने गोरे हो और मैं तो कितना काला हूँ. तो हंस ने कहा मेरे दोस्त मेरे को भी ऐसा लगता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा.
जब मैंने तोते को देखा मेरे को लगा यार ये कितना अच्छा है, मेरे पास तो एक कलर है, इसके पास तो दो कलर है, काश मैं तोता होता तो कितना अच्छा होता। वो ढूंढते ढूंढते तोते के पास गया, उसको भी यही कहा कि मेरे दोस्त काश मैं तोता होता तो कितना अच्छा होता। तो तोते ने कहा मेरे दोस्त मेरे को भी ऐसा लगता था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा, जब मैंने मोर को देखा तो मेरे को लगा मेरे पास तो दो कलर है, इसके पास तो मल्टी कलर है, काश मैं मोर होता तो कितना अच्छा होता। वो कौवा ढूंढता 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 मोर के पास गया, मोर उसको कहाँ मिला, एक चिड़ियाघर के अंदर मिला। वहाँ जाके वो क्या देखता, सारे बच्चे उसको देख रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसको लगा फाइनली ही इज़ द लकीस्ट बर्ड ऑफ द प्लैनेट, यही है वो जो सबसे खुशकिस्मत इंसान पक्षी है इस वर्ल्ड, इस दुनिया का, इस प्लैनेट का। वही बात उसने उसको जाके कही। तो उस मोर ने उसको कहा मेरे दोस्त मेरे को भी ऐसा लगता था। बट इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या वाकई में दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पक्षी हूँ, मैंने एक दिन पूरे चिड़ियाघर का राउंड लिया। और मैंने उस चिड़ियाघर का राउंड लिया तो मैंने क्या पाया कि चिड़ियाघर के अंदर सारे पशु पक्षी जानवर के इधर सिवाय एक के, और वो एक कौन था, कौवा। बोला मेरे दोस्त आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जो कि आज़ादी है वो आपके पास है और हम में से किसी के पास नहीं है। ये आपका कलर ही है जिसकी वजह से आप आज़ाद घूम रहे हो, और ये हमारा कलर ही है जिसकी वजह से हम कैद हैं। हम सब में इक्वालिटी है। दुनिया में 1% लोग लीड करते हैं, 99% लोग फॉलो करते हैं हर फील्ड में। 1% लोग वही होते हैं जिनको ये पता होता है कि भगवान ने मेरे को किस लिए बनाया है, मेरी क्वालिटी क्या है। आप सब अपनी क्वालिटी को जज करो। वो क्वालिटी सीए से मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करती तो मैच कराओ, और फिर भी मैच नहीं कराते अपना फील्ड चेंज करो। बिकॉज मेरे को इंस्टीट्यूट में लाइबिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को एसेट्स चाहिए। मैं चाहता हूँ आप लोग उस जगह परफॉर्म करो जहाँ आपकी क्वालिटी है, अदरवाइज आप 99% में रहोगे। 1% में आना है, अपनी क्वालिटी को पहचानो। और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लेकिन असंभव ही नहीं है। जिस दिन आपने अपनी क्वालिटी को पहचान लिया आप लीडर बनोगे। ये जो सारे लोग मंच पे बैठे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं वक्त रहते पता लग गया यस ये मेरी क्वालिटी है। और उसके बाद अपनी क्वालिटी पे भरोसा करो, अपने परिवार पे भरोसा करो, अपने देश पे भरोसा करो, और सबसे बड़ी बात अपनी डिग्री पे भरोसा करो। यदि आपको अपनी डिग्री पे भरोसा नहीं है ना, आप दुनिया की कोई सी भी डिग्री ले लो, ये मेरी जबान है, मेरा चैलेंज है। आप चाहे IIM से कर लो, चाहे हार्वर्ड से कर लो, आप कहीं से इकोनॉमिक्स, अभी तो इकोनॉमिक्स जो है उनकी इकोनॉमी भी फेल हो गई, आप कहीं से कुछ भी डिग्री ले लो, यदि आपको उस डिग्री पे भरोसा नहीं है आप जीवन में कभी भी एक्सेप्शन को छोड़ दो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। देयर आर कंपनी सेक्रेटरीज वो आर अर्निंग करोड़। यदि हम कहते हैं सफलता का पैमाना पैसा है, देयर आर कंपनी सेक्रेटरीज जो सोसाइटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन इंजॉय कर रहे हैं, यदि हम कहते हैं सफलता का पैमाना मान सम्मान है। यदि एक्स कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे है तो वाई कंपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं। यदि एक्स यहाँ पे है इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने अपने आप को प्रूव किया है, प्रॉब्लम वाई के साथ है, इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं एग्री करता हूँ, बट यदि एक्स कंपनी सेक्रेटरी वहाँ तक जा सकता है तो वाई भी जा सकता है। वाई नहीं जा रहा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे साथ है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे को अपने आप पे भरोसा नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे को अपनी डिग्री पे भरोसा नहीं है। आज से इस डिग्री पे भरोसा करना शुरू करो। ये लाइव एग्जाम्पल है, आपको इनको बुलाने के पीछे क्या है, ये वो लोग हैं जिनको इस डिग्री पे भरोसा था और आज ये यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग भरोसा करोगे एक दिन आप इनसे आगे जाओगे। चार्टर्ड सेक्रेटरी क्या एक दिन टाइम जो टाइम मैगजीन या फोर्ब्स मैगजीन है उसके कवर पेज पे आप लोग आओगे, चार्टर्ड सेक्रेटरी से बहुत आगे जाओगे आप लोग। लास्ट में एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।